तो आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा रिलेट करता है एक्सेल शीट में प्रोडक्शन। लास्ट टाइम में हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया था, बट राज का जो टॉपिक रह गया था प्रोटेक्ट शीट लॉक बिल। चलिए प्रोटेक्ट शीट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक था प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट होती क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। सपोज करो मेरे पास कोई डाटा है, मैं कोई डाटा ओपन कर लेता हूँ। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग का डाटा ही मैंने कॉपी करा और एक नई शीट पे जाके उसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। पुरानी शीट पे नई शीट पे पेस्ट कर दिया और पुरानी शीट को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी शीट प्रोटेक्ट हो जाए ताकि कोई अनदर पर्सन आके मेरी कंपनी का या मेरी डाटा का कोई भी इंटरफेयर ना कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। हम एरिया सिलेक्ट करते हैं या बिना एरिया सिलेक्ट करें हम फॉर्मेट के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ मिलता है प्रोटेक्ट शीट। हम जैसे ही प्रोटेक्ट शीट पे काम करते हैं तो एक्सेल हमसे एक मैसेज आता है, ऊपर लिखा होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल पासवर्ड टू बी अनप्रोटेक्ट शीट। कहता है कि जो भी आपको पासवर्ड रखना है आप उस पासवर्ड को यहाँ डाल दीजिए। मैंने डाल दिया 123। एंटर मारा, एक रिकन्फर्म मैसेज आया जिस मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने पासवर्ड डाला और आप भूल गए तो पासवर्ड रिकवर नहीं होगा, तो प्लीज बी केयरफुल होके डालें। अब देखिए मैंने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो एक मैसेज आ जाएगा, दिस सेल और चार्ट दैट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर ऑफ रीड ओनली। कह रहा है कि आपने जो शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है अब आप इस एरिया पे काम नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ देखिए आप कुछ भी अलाउ नहीं कर सकते, आप यहाँ से कुछ टाइप करना चाहें वो भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कॉपी। अब ये हमारा शीट प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि शीट को तो प्रोटेक्ट कर लिया लेकिन क्या कोई पर्सन शीट को कॉपी कर सकता है डाटा को। वो इस तरीके से डाटा को कॉपी भी कर सकता है। मेरी शीट तो प्रोटेक्ट हो गई लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी पर्सन डाटा को कॉपी करके पेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, कॉपी करके पेस्ट कर सकता है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो जाए कि शीट प्रोटेक्ट भी हो जाए और कॉपी पेस्ट भी ना कर सके, वरना अगर वो कॉपी पेस्ट कर लेगा तो हमारा शीट को प्रोटेक्ट करने का बेनिफिट ही क्या रही है। तो हमें शीट को ऐसा प्रोटेक्ट करना है कि साथ अनादर पर्सन इस शीट को ना तो कॉपी कर पाए ना इसमें कोई चेंज कर पाए, ठीक है, ना कुछ भी ना कर पाए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे। कैसे, राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट या फिर होम के मेन्यू में जाके इंसर्ट में आपको सबसे नीचे मिलेगा इंसर्ट अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिए, आप पासवर्ड यूजर डालिए और ये शीट अनप्रोटेक्ट हो गई। कैसे पता चला अनप्रोटेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन हो गए खुल गए और यहाँ भी देखिए राइट क्लिक करके पास प्रोटेक्ट शीट आ रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि जब आप शीट पे प्रोटेक्ट कर रहे हो उस समय यहाँ एक मैसेज लिखा होता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। सबसे पहले सिलेक्ट लॉक सेल समझते क्या हुआ, हमें डाटा कॉपी करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, हमें सबसे ज्यादा एक एरिया की सिलेक्शन की जरूरत होती है। जब तक एरिया सिलेक्ट ही नहीं होगा कॉपी करने का बेनिफिट ही नहीं है, तो कॉपी करने के लिए सिलेक्शन होना जरूरी है। एक्सेल के अंदर या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में आप कॉपी को नहीं रोक सकते, आप कॉपी तो करना ही पड़ेगा, हो जाता है कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसका सिलेक्शन ही बंद कर दूं, मैं इसका सिलेक्शन ही बंद कर दूं तो वो कॉपी तो कर ही नहीं पाएगा। तो मुझे बस यही करना है कि इसके सिलेक्शन में से इसको कॉपी करने से पहले इसका सिलेक्शन बंद कर देना है। तो क्या करना है, बस जब भी आप शीट को प्रोटेक्ट करें तो यहां से दोनों चेक हटा दें।
ठीक है, सिलेक्ट लॉक सेल और इसको ओके कर। अब क्या है, ना तो पर्सन सिलेक्ट कर पाएगा और ना ही इसको कॉपी कर पाएगा, वो सिलेक्शन के लिए जाएगा तो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो सिलेक्ट कहां पर खड़ा, एच एच एट पे, कंट्रोल सी करेगा तो यही कॉपी होगा और कुछ कर नहीं सकता। क्या है, कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी आप शीट पे प्रोटेक्ट करते हो तो सबसे पहले इस शीट पे से ये भी मैसेज हटा देना, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। चलो सर आपने कहा और हमने इसको लॉक कर दिया, कल को ऐसा हो जाए कि हम इस शीट का पासवर्ड ही भूल जाए, इन केस हो जाए ऐसा, आपने तो ये सिलेक्शन करना बंद ही बता दिया, अब बंदा करेगा क्या? अभी तो डाटा आपका छोटा है तो आप एक एक करके लिख लोगे, जब डाटा आपका लार्ज होगा उस केस में आप क्या करोगे, क्या करोगे सर? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर आपको ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है, आपकी कंडीशन बेस हो गई कि आपको कॉपी करना ही है, तो क्या कीजिए, लास्ट कॉलम को चेक कीजिए, लास्ट कॉलम आई है और आई पे डाटा कितना, 101। फिर टॉप पे जाइए, एड्रेस बार में आइए यहाँ पर और लिख दीजिए A1 से लेके I101 तक, एंटर कीजिए, यहाँ पर आइए, और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। देखिए एरिया सिलेक्ट हो गया और नई शीट में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी करके, तो आपका ये भी हो जाएगा। कैसे करा, दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इस पे गया और इसको बताया, मैंने बोला A1 से लेके, अब मैं चाहता हूँ I15 तक हो जाए, तो मैंने 15 लिख दिया यहाँ पर, I15, इंटर मारा और कंट्रोल सी कर दिया। तो क्या करता है, अपने बैकहेंड के अंदर ही उस एरिया को सिलेक्ट करता है और इसको कॉपी करता है, वो सिलेक्शन इस तरीके से करता है ताकि आपको वो चीज विजुअल ही ना पाए कि उसने बैकहेंड में सिलेक्शन करा है या नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो प्लीज इस चीज को पढ़ लें, क्या लिखा है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, कहता है कि जिस टॉपिक पे आप टिक करोगे वही फंक्शन आपके लिए अलाउ हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं शीट को प्रोटेक्ट करूं बट वो प्रोटेक्ट करने के बाद भी वो कलर कर सके, वो शीट का फॉर्मेटिंग कर सके, शीट पे काम, मतलब कुछ चीजें ऑप्शन देना चाहता हूं ऐसे काम कर सके, शीट फॉन्ट कलर चेंज कर सके, ये कर सके, मतलब शीट प्रोटेक्ट होने के बाद भी कुछ अथॉरिटी देना। तो अगर आप उसको अथॉरिटी देना चाहते हो कि आप ये काम कर सकते हो, तो इनमें से किसी एक पे टिक कर दीजिए, बस इन किसी एक पर टिक कर दीजिए, दैट्स इट, सिंपल। जो भी चीज देना चाहते हो, जैसे आपने कहा वो बंदा शीट प्रोटेक्ट होने के बाद फॉर्मेटिंग कर सके, शीट प्रोटेक्ट होने के बाद वो फॉर्म कॉलम इंसर्ट कर सके, कॉलम को फॉर्मेट कर सके, रो को फॉर्मेट कर सके, कॉलम इंसर्ट कर सके, कॉलम रो इंसर्ट कर सके, हाइपरलिंक लगा सके, डिलीट कर सके, डिलीट रो कर सके, शॉर्टिंग कर सके, यूज ऑटो फिल्टर लगा सके, यूज पिवट टेबल लगा सके, ऐड ऑब्जेक्ट कर सके, ऐड सिनेरियो कर सके, जो जो टॉपिक आपने यस करे। देखो शीट पूरी प्रोटेक्ट है, आप मर्ज नहीं कर सकते, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इक्वल नहीं कर सकते, इंसर्ट में आ जाओ, आप चार्ट नहीं अप्लाई कर सकते, आप हाइपरलिंक नहीं लगा सकते, ठीक है, आप फार्मूले में ये फार्मूले नहीं लगा सकते, डाटा बार में ये नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कलर शीट प्रोटेक्ट है, दोबारा अनप्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, सभी पे टिक है ना, ऊपर वाले बटन पे भी क्लिक कर दो दोनों पे और ओके कर दो, आप शीट को प्रोटेक्ट कर दो, शीट प्रोटेक्ट है। देखिए एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऐसे बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये सारे काम, किसके जरिए कर सकते हो सारे काम, ये इसके जरिए कर सकते हो। जब भी आप शीट को प्रोटेक्ट करें तो प्लीज इन टॉपिकों को एक बार रीड कर लें, क्योंकि साफ साफ लिखा है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, कहता है कि उस यूजर को ये सारे फीचर मिल जाएंगे अगर जिस पे आप टिक करोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से ध्यान देना,
मैंने यहाँ रिपोर्ट बनाई, मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा रोल और मैंने लिखा क्लास। मैं ये चाहता हूं कि पर्सन इन्हीं कॉलमों पर टाइप करे और इसके सिवा कहीं और टाइप ना करे। पर्सन इन्हीं कॉलमों पर टाइप करे, इसके सिवा वो कहीं और टाइप ना करे। मेरे कर्सर का मूवमेंट भी ऐसा ही हो, यहाँ पे जाए, फिर यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए, फिर अगेन मैं करूँ तो यहाँ आ जाए। मतलब इन तीनों पे रहे और किसी पे ना रहे, किसी और पे कल्सर मेरा ना जाए। तो मैं करूंगा क्या? ठीक है, मैं क्या करूंगा? अब इससे पहले हम एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं। क्वेश्चन ये कि मेरे पास ये डाटा है, मैं ये चाहता हूं कि बंदा इतने एरिए पे ही काम कर सके, इसके बाहर काम ना कर सके, या इसके बाहर काम कर सके बस इस एरिया में काम ना कर पाए। पहला क्वेश्चन, वो इस एरिया में काम करें और बाहर वाले एरिया में काम ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे यहां से, फिर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे राइट क्लिक करके, और यहां पर बोल देंगे फॉर्मेट सेल। जैसे ही करेंगे तो सबसे नीचे मिलता है लास्ट में प्रोटेक्ट, और यहां से लॉक को कर देंगे, हटा देंगे और ओके। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर इन्होंने सिंपल ये कहा है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल पासवर्ड टू एन अनप्रोटेक्ट शीट। कह रहा है कि ये जो शीट प्रोटेक्ट है उन्हीं पे एप्लीकेबल होगी जो शीट लॉक है या जो सेल लॉक है। मतलब कि जिनके राइट क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर इस पे टिक होगा वही शीट पे ये सारी कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज किसी पे अप्लाई नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, आप इतना एरिया दोबारा सिलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए लॉक यहाँ जाके, ये हो गया आपका लॉक। ठीक है, फिर शीट को कर दीजिए प्रोटेक्ट एंड देन देखिए यहाँ टाइप करो, टाइप हो रहा है, लेकिन जैसे यहां टाइप करोगे मैसेज आ जाएगा। क्या जाएगा? मैसेज आ जाएगा। मैं चाहता हूं इसके अंदर मैं जाऊं भी ना, इसके अंदर जा भी ना है मेरा कल्सर, तो क्या कर दो, अनप्रोटेक्ट करो और दोबारा प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करते वक्त यहां से टिक हटा दो, सिलेक्ट लॉक सेल, यहां से टिक हटाओ और सेव। देखिए आप मूवमेंट करेंगे तो एरिया को स्किप कर देगा। अभिषेक समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, देखिए उसके अंदर जाना चाहते हो बट आप नहीं जा सकते। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि मैं इतने एरिया पे ही काम करूं, इसके बैक एरिया पे काम ना करूं। मैं इस एरिया पे काम करना चाहता हूं, इन एरिया के अंदर, इसके बैक वाले एरिया पे काम नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, इसको अनलॉक कर दूंगा। कैसे? राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके और इसको कर दूंगा अनलॉक। ठीक है, बस हो गया अनलॉक। उसके बाद शीट को प्रोटेक्ट करूंगा, प्रोटेक्ट करने के साथ इस वाले बटन को हटा दूंगा और ओके आ गया। अब देखिए मैं इस एरिया पे ही काम कर सकता हूँ, इसके बाहर एरिया पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ टाइप करो, इसके बैक एरिया में आप जा ही नहीं सकते, जाना भी जाओ नहीं जा सकते। गुड, ऐसे कल्सर को मूवमेंट करो तो उसी एरिया में कल्सर रहेगा, बैक एरिया में जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमारा यहाँ बेस है, हम चाहते हैं कि हमारा कल्सर इन्हीं कल्सरों पे मूव करे, तो सिंपल वही रूल को अप्लाई करो, इसको सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ और इस पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल उसको कर दो अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट हो गया, फिर पूरी शीट को सिलेक्ट करो राइट क्लिक, तो ऑलरेडी वो लॉक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कहाँ चले जाओ? प्रोटेक्ट में आओ, यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट करो और इस बटन से टिक हटा दो और ओके। अब देखिए कल्सर का जो मूवमेंट होगा इन एरियो में ही होगा। बंदा लिखेगा नाम, इंटर मारेगा रोल नंबर आएगा, इंटर मारेगा क्लास आ जाएगी, फिर इंटर मारेगा यहाँ उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर रोल नंबर आ जाएगा और क्लास आ जाएगी 12। फिर दूसरा नाम लिखेगा,
रोल नंबर डालेगा और क्लास लेके आएगा। तो इस तरीके से आप अपना मूवमेंट कर सकते हैं। इसका यूज कब करते हैं, जब इसका यूज तब करते हैं जब हम लोगों को फॉर्म बनाना होता है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर बार बार ज्यादा घूमे ना, तो हम शीट को इस तरीके से रखते हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल सीखते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक शीट है जिसमें नाम लिखा हुआ है, ये सेल का बिल की शीट है, नाम है ठीक है, नाम जो भी होगा, नाम डाल दिया मैंने अमित, उसके बाद अमित के बाद आ गया वो, अमित के बाद यहाँ आ जाएगा अमित, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, फिर अमाउंट ठीक है, अमाउंट बाद में आ जाएगा, फिर डिस्काउंट, फिर टैक्स ठीक है, फिर नेट अमाउंट, ये मुझे निकालना है। क्या करना है, ये चीजें मुझे निकालनी, उसके बाद डेट डालनी है यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं क्वांटिटी लिखूं और रेट डालूं तो डिस्काउंट ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाए और टैक्स रेट अपने आप निकल जाए। क्या निकल जाए, टैक्स रेट अपने आप निकल जाए और फिर कट पीट के नेट अमाउंट भी आ जाए, मुझे बार बार ये काम ना करना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 10% कैसे, इसको इनटू करो इससे, ये आ जाए फिगर, इसको ब्रैकेट में जरूर कर देना, फिर इसका 10% निकाल के दे दो। कितना परसेंट निकाल दो इसका, 10% एंटर मार। फिर सेम मैंने क्या करा, मैंने बोला ब्रैकेट लगाया और सबसे पहले बोला इक्वल, इन दोनों को आपस में इनटू करो ठीक है, फिर माइनस कर दो, किसको, सी को करना था, मैंने डी को ले लिया, इसको इनटू करो B2 को B3 से, ब्रैकेट लगाओ ठीक है, फिर इसमें से माइनस कर दो इसको, और फिर 18% टैक्स लगाओ। कितने परसेंट टैक्स लगाओ, 18% इंटू 18%, क्लियर है, बस आ गया 324, गलत आ रहा है, 324 नहीं आना चाहिए, यहाँ 200% डिस्काउंट निकल के आ गया 200 ठीक है, 324 ही आएगा ठीक है। अब नेट अमाउंट निकालना, नेट अमाउंट निकालने का सिंपल सा फार्मूला, दिस इंटू दिस, 2000 आ गया, इसको दोबारा फार्मूले में रखो ब्रैकेट में, और इसमें से ये फिगर माइनस कर दो और ये वाली फिगर माइनस कर, आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पर जो भी डेट हो वो डेट आ जाए हमारी, उठ के डेट आ गई, डेट लाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस दिस, इससे डेट आती है डायरेक्टली, और अगर आप कंट्रोल प्लस ये टाइप करेंगे तो इससे टाइम आता है। तो इससे टाइम आ जाता है ठीक है। फिर इस फार्मूले को दोनों को नीचे कॉपी कर दिया कंट्रोल डी के साथ ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं ये दो फिगर डालूं मेरा कल्चर उठ के सीधा डेट पे चला जाए, तो मैं वही करूंगा, सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पहले पूरी शीट को अनलॉक करूंगा, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट पे गया और सारी शीट को अनलॉक कर दिया, कि मतलब कि वो सब पे काम कर सके। उसके बाद इन दोनों एरिया को सिलेक्ट करा, इन सभी को लॉक कर दिया, क्योंकि इन पे मुझे कल्सर ले जाना नहीं है, तो मैंने इनको क्या कर दिया, लॉक। अब इसे करने से बेनिफिट क्या हुआ, कि अब मेरा कल्सर ना इन जगह पे नहीं जाएगा। उसके बाद कर दो शीट को प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट करते वक्त सिलेक्ट लॉक से, इससे टिक हटा दो। अब जैसे ही वो करेगा कल से डायरेक्ट आ जाएगा, देखो जैसे ही वो नीचे कोई क्वांटिटी रवि डाला, उसने रवि डाला, हमार क्वांटिटी डाली, रेट डाला, और जैसे ही इंटर मारेगा ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, आ गया, वो आगे जा ही नहीं पाएगा ठीक है। और उसको जो भी डेट डालनी है वो डेट डाल के आगे चला, समझ में आया, सिंपल सी बात है। जो चीजों पे आपको कल्सर लेके नहीं जाना वो शीट आपकी लॉक होनी चाहिए ठीक है, और लॉक करते वक्त एटलीस्ट इन दोनों बटनों को जरूर यूज करना, सिलेक्ट
लॉक से, इस से टिक हटा दो, खाली सिलेक्ट अनलॉक, ठीक है, इसका यूज कर दो। अगर आपने इस पे नीचे वाले से टिक हटा दिया और इस पे टिक रख दिया ऊपर वाले पे, ऊपर वाले तो टिक रहेगा रहेगा, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है प्रोटेक्ट शीट। आइए प्रोटेक्ट शीट में और भी चीजें सीखते हैं। ये हमारा प्रोटेक्ट शीट का टॉपिक था जिसमें हमने सारे एग्जांपल सीखे सर, लेकिन वो शीट प्रोटेक्ट होने के साथ साथ वो शीट को डिलीट तो कर सकता है। मैं चाहता हूं कि शीट वो प्रोटेक्ट कर दे बट वो डिलीट ना कर पाए, ऐसी प्रोटेक्शन हो जाए कि अभी जो आपने प्रोटेक्शन सिखाई थी हम लोगों को, वो तो खाली सिंपल सी प्रोटेक्शन क्या थी कि वो यहाँ काम नहीं कर सकता, बट वो शीट को रीनेम कर सकता है, शीट को डिलीट कर सकता है, शीट को इंसर्ट कर सकता है, शीट को हाइड कर सकता है, सर ऐसा कुछ भी ना कर पाए वो, तो आप डाटा के अंदर जाके, रिव्यू के अंदर आके आपको यहाँ मिलेगा प्रोटेक्ट शीट। इस प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए और ये तो वही प्रोटेक्ट शीट आ गई जो आपने भी वहां से सीखी थी। ये वाली प्रोटेक्ट शीट आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ये प्रोटेक्ट शीट आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी यूज कर सकते हो, और एक जगह रिव्यू में जाके भी आप प्रोटेक्ट शीट का यूज कर सकते हो। लेकिन हमें ये नहीं सीखनी, हमें सीखनी है प्रोटेक्ट वर्कबुक। जैसे ही मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट एडिशन, कहता है प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर और विंडो। मैंने बोला अभी विंडो, खाली स्ट्रक्चर पे क्लिक कर, पासवर्ड दिया 1, कंफर्म पासवर्ड 1। जैसे ही मैंने वर्कशीट का पासवर्ड डाला तो आप राइट क्लिक करके देखो, ना तो वो अब इंसर्ट कर सकता, ना तो वो अब डिलीट कर सकता, ना तो वो रीनेम कर सकता, ना तो वो मूव और कॉपी कर सकता। तो जब अगर आप यहां से शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो ना तो कॉपी कर सकता, ना तो वो मिस कर सकता। लेकिन सर जब आपने शीट को प्रोटेक्ट करा था बट वो शीट को मिनिमाइज कर सकता है, वो शीट को छोटा बड़ा कर सकता है, वो ये भी ना कर सके। तो जब आप शीट को प्रोटेक्ट करें तो प्रोटेक्ट करते वक्त आप विंडो पे भी क्लिक कर दें। विंडो पे क्लिक करने का बेनिफिट क्या, जैसे आप विंडो पे क्लिक करोगे यहाँ जो आपको नीचे माइनस और प्लस का निशान दिख रहा है वो गायब हो जाएगा, यहाँ देखिए वो गायब हो गया। इसका मतलब अब वो ना तो मिनिमाइज कर सकता शीट को, ना मैक्सिमाइज कर सकता, ठीक है। तो आप इस तरीके से शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर ये तो शीट को ओपन करने के बाद प्रोटेक्ट हो गया, क्या कोई ऐसा प्रोटेक्ट है कि जब वो शीट को ओपन करे तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछे, शीट का पासवर्ड पूछे, देन मैं पासवर्ड बताऊं पूरी बुक, पूरी शीट का, पूरी फाइल का, उसके बाद वो शीट ओपन हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है वर्कबुक पे। जैसे आप इस शीट को सेव करते हो तो आपके नीचे क्या होता है, एक मैसेज आता है जर्नल का, जर्नल पर जाइए और यहाँ से पासवर्ड डाल दीजिए, ऑलवेज क्रिएट बैकअप, या इस पर क्लिक करेंगे बैकअप आता रहेगा और ये शीट प्रोटेक्ट हो गई शीट प्रोटेक्ट। आप यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट कर सकते। अब इस शीट को जब भी ओपन करके किया जाएगा तो ये शीट क्या करेगी, हमेशा मुझसे इसके लिए पूछेगी पासवर्ड की। शीट को सेव कर दिया, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर जर्नल पे जाके पासवर्ड डाल दिया 1, ठीक है, और सेव करके डेस्कटॉप पे। अब देखिए जब भी मैं शीट 2 को खोलूंगा तो एटलीस्ट सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा पासवर्ड, पासवर्ड पता होगा तभी मैं शीट को ओपन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं शीट को ओपन नहीं कर पाऊंगा। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि आपने इस शीट को सेव एज करा है, सेव एज का मतलब होता है उस फाइल की दूसरी कॉपी बनाना। लेकिन सर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि शीट का पासवर्ड तो लग जाए बट शीट की दो कॉपी ना बने। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कहां पर पहुंचना है, आपको आना है प्रिपेयर पे और सबसे पहले मिलेगा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जाइए और यहां से पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है, तो इससे भी आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्सेल से रिगार्डिंग जितनी चीजें थी सब सीख ली। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है वो बंदा क्या करे कि शीट को पासवर्ड पर चल के वो काम भी करने लगे हैं, मैं चाहता हूं कि वो शीट को ना काम भी नहीं कर पाए वो शीट पे, तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके, अगर उसको पासवर्ड पता भी है तो आप इसको क्लिक कर दो रीड ओनली मोड,
जैसे ही आप रीड ओनली मोड पे क्लिक करके सेव करेंगे, वो जैसे ही शीट को ओपन करेगा पासवर्ड डाल के, तो सबसे टॉप पे लिखा होगा रीड ओनली मोड, वो काम करेगा, लेकिन जैसे ही कंट्रोल एस करके सेव करेगा मैसेज आएगा वी कैन नॉट सेव वर्कबुक बिकॉज दिस फाइल इज रीड ओनली मोड। कौन से मोड पे? रीड ओनली मोड। तो वो इस तरीके से इसको नहीं हटा सकता, अगर वो करना भी चाहे तब भी वो नहीं कर सकता। जैसे वो शीट को पासवर्ड डाल के ऑन भी कर दें, सर अगर हमें रीड ओनली मोड हटाना तो क्या करें? तो आप कहां आ जाओ और चले जाओ, समझ में आ गया। लेकिन सर ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि वो शीट को, तो अब सर वो राइट क्लिक करके शीट को डिलीट भी कर सकता है? हाँ सर ये तो कर सकता है वो, क्योंकि ये एक्सेल का पार्ट नहीं, पार्ट ऑफ द विंडो है। फिर आप यही कर सकते हो कि इस शीट को हाइड कर दो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, आप इस शीट को राइट हाइड कर दीजिए, अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए, शीट गायब हो गई। शीट को वापसी लाना है तो कहाँ चाहिए? सिस्टम पे आइए, यहां से आपको मिलेगा व्यू, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कि सीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरे सेशन के अंदर हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड बात की गई थी, क्योंकि किसी भी डाटा को सिक्योर रखने के लिए प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप इन तरीके से एक्सेल के अंदर प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया?